भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए के शर्मा ने लालगंज सीएससी में सौसैया अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य ए के शर्मा ने लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट और सौसैया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर उन्होंने कहा कि यहाँ आकर उन्हें काफी अच्छा लगा। भगवान न करे यहाँ कोई आए, लेकिन आने के बाद यहाँ हर मरीज को काफी अच्छा सुविधा मिलेगी। किसी प्रकार को यहाँ आने के बाद किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर उन्होंने कहा कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्लांट का निर्माण किया गया है, जो लोगों के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। इस मौके पर सीएमओ आजमगढ़, सीएससी अधीक्षक लालगंज डॉक्टर मनोज कुमार, कोतवाल दिगो मंजय सिंह, चौकी इंचार्ज लालगंज अनिल कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिशिकांत राय, योगेंद्र राय, अखिलेश राय, बंटी राय, सुनील कुमार डब्बू, मेजर एस के सिंह, प्रमोद सरोज, फार्मेसिस्ट लालमन यादव, डॉक्टर सतीश चंद्रा, मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, मोहम्मद जैद और अन्य स्टाफ आदि के साथ भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात मैंने बताया कि बनारस में कोविड का काम करते हुए, कोविड नियंत्रण का काम करते हुए पूर्वांचल के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं जो है चरमरा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में इस बात का मुझे ध्यान आया और संज्ञान हुआ, तब मुझे लगा कि कुछ करने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में लालगंज है, घोसी है, आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज है और पूर्वांचल के अन्य कई जिलों में अन्य इसी तरह की व्यवस्थाएं खड़ी करने की बात मेरे ध्यान में आई। और उस समय कुछ CSR से हम प्रयास कर रहे थे, कुछ काम कराने का, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का, दवाएं देने का। उसी कड़ी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी हमने प्रयास किया और कुछ कंपनियां CSR के माध्यम से मदद करने के लिए आगे आई। उन्हीं में से एक कंपनी से कह करके यहाँ लालगंज में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया और ये अच्छा है कि एक तरह से नया अस्पताल भी बना है और उसी में ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था हो गई। इसी तरह से घोसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की हमने व्यवस्था कराई। सर, यहाँ पर सरकारी अस्पताल आजमगढ़ रास्ता आता है, कई मशीनें लगाने की व्यवस्था की गई आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में। तरवा में जैसा मैंने बताया जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, जनरेटर की व्यवस्था कराई गई। इस तरह की व्यवस्था कराने के पीछे जैसा कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, मेरी मंशा ये थी कि अगर दुर्भाग्य से तीसरी लहर आती है तो उसमें हम इन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना करके उससे लड़ने की क्षमता हमारे पास खड़ी हो जाए। सर, एक सवाल ये भी है हमारा कि जैसे ये लालगंज हॉस्पिटल की तरफ जो रास्ता आता है, चौराहा है, उस तरफ इंटर कॉलेज है, इस तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है।